सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। मिशन स्टार्ट 2023-24 की समय सारणी शाला दर्पण पर इस प्रकार करें। ऑनलाइन साप्ताहिक समय सारणी पीओ यूसीओ प्रभारी और एचएम के क्या क्या दायित्व रहेंगे इसमें। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों राज्य सरकार का एक नया प्रोग्राम मिशन स्टार्ट भी शुरू हो चुका है। तो राज्य सरकारी सभी विद्यालयों में शुरू है इस जो मिशन स्टार्ट प्रोग्राम है, इसके क्या क्या कार्य रहेंगे, मिशन स्टार्ट प्रोग्राम किन के लिए है, इनके लिए जो पीओ यूसीओ एचएम या इसके प्रभारी है उनके क्या दायित्व रहेंगे, शाला दर्पण पर हमें इसकी समय सारणी अपलोड करनी होगी वो कहाँ होगी, इन सारे प्रश्नों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे शाला दर्पण पर जो ये समय सारणी अपलोड करनी है वो आपको किस प्रकार करनी है। साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, मिशन स्टार्ट के संबंध में है। और पहले वीडियो की शुरुआत में हम जानेंगे शाला दर्पण पर इसकी समय सारणी अपलोड करने का तरीका, और उसके बाद अगले चरण में हम जानेंगे विभिन्न जो अधिकारी है उनके क्या क्या दायित्व इसके ऊपर रहेंगे। विस्तृत दिशा निर्देश और आदेश भी जारी हो चुके हैं। मिशन स्टार्ट के लिए ऑनलाइन जो आपको कार्य करना है वो शाला दर्पण पे ही है। शाला दर्पण पे आपको आने के बाद ऊपर लॉगिन का बटन नजर आ रहा है, लॉगिन कर लीजिए। सक्सेसफुल विद्यालय लॉगिन होने के बाद आपको विभिन्न तरह के ऊपर की और ऑप्शन नजर आते हैं। यहाँ आपको जाना है विद्यालय में, ये जो विद्यालय टैब आ रहा है यानी स्कूल टैब, इसके अंतर्गत आपको जाना है, खोल लीजिए। खोलने पर विद्यालय के संबंध में जो विभिन्न ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, विद्यालय के अंतर्गत ही यहाँ पे आएगा वीकली स्मार्ट क्लास टाइम टेबल 9th to 12th। तो वीकली स्मार्ट क्लास टाइम टेबल आपको यहीं पे अपलोड करना है, तो यहाँ इसको क्लिक करके खोल लीजिए। खोलने पर आपके सामने सबसे पहले वीक के नाम से एक ऑप्शन खुलेगा, जहाँ आपको वीक पूछा जाएगा कौन से वीक का है, और उसके बाद सेव स्टेटस का दो ऑप्शन मिलेंगे। जैसे वर्तमान में अभी जो वीक चल रहा है, जैसे 18 से 22, 25 से 30, 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर को जो भी वीक है जिसकी समय सारणी आपके पास तैयार है वो सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो नीचे उसका स्टेटस भी शो करेगा, ये जो स्टेटस है वो सेलेक्ट करेगा, तो इसको सेलेक्ट करना है। तो अभी आपसे दो ऑप्शन पूछे जाएंगे कि आपकी समय सारणी प्रिपेयर्ड है या नॉट प्रिपेयर्ड है, यानी पहले से तैयार है तो प्रिपेयर्ड, अगर तैयार नहीं है तो नॉट प्रिपेयर्ड, तैयार नहीं है तो उसका कारण भी पूछा जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ नॉट प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पे देख लिए मैंने नॉट प्रिपेयर्ड सेलेक्ट किया है। यहाँ पे रीजन पूछ लिया गया है कि प्रिपेयर क्यों नहीं हुई, उसका कारण दो और उसको सेव करो। अगर प्रिपेयर है तो हम पहले प्रिपेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रिपेयर के ऊपर क्लिक करने पर दोस्तों हमारे सामने ये मैसेज आ जाता है सेव करने पर, स्कूल स्टेटस सेव्ड सक्सेसफुली, यानी ये सेव हो चुकी है। अब हमें नीचे की ओर और ऑप्शन मिलेंगे, नहीं मिल रहा है तो स्टेटस एक बार और सेव कर लीजिए। तो ये सेलेक्ट डे के रूप में ऑप्शन खुल जाएंगे, सेलेक्ट डे और फिल समरी के रूप में सेलेक्ट डे करते हैं। जैसे मैंने मंडे सेलेक्ट किया है और उसके बाद फिल समरी के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे सामने समरी खुलकर आ जाती है। ये जो समरी है वो क्लास सेक्शन सब्जेक्ट चैप्टर की है। यहाँ देखिए पीरियड, ये समय सारणी है जो आपको शाला दर्पण पे अपलोड करनी है। यहाँ पे पीरियड लिखा आया है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये सारे पीरियड यहाँ पे शो करेंगे। 8th पीरियड तक ये समय सारणी है। और क्लास यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सब्जेक्ट और उसका चैप्टर, और पास में सेव बटन आ रहा है उसको सेव कर देना है। चैप्टर के रूप में जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे उनके चैप्टर है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे मैंने साइंस सेलेक्ट किया तो साइंस के जो सब्जेक्ट है चैप्टर है वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। तो आपको मिशन स्टार्ट की जो समय सारणी है वो इस तरह से शाला दर्पण पर अपलोड करनी है। वहाँ पर पता चल जाएगा कि पहला पीरियड किस क्लास का है, दूसरा किस क्लास का है, तीसरा कौन सी क्लास का है, चौथा कौन सी क्लास का है। मिशन स्टार्ट के रूप में जो क्लासें चलेगी वो एक एक पीरियड के रूप में कौन कौन सी क्लास वहाँ हिस्सा ले रही है वो सारा आपको पता चल जाएगा। यहाँ से सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। ये होने के बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी इस विस्तृत दिशा निर्देश की, जो मुख्य मुख्य रूप से है वो मैं आपको बताऊंगा। मिशन स्टार्ट का है 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विभागीय नवाचार फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत 2023-24 में शुभारंभ किया गया है। और मिशन स्टार्ट के माध्यम से ऐसे समस्त विद्यालयों में विषयाध्यापकों के पद रिक्त अथवा शिक्षक अनुपस्थिति की स्थिति में 9 से 12 के विद्यालय में विभाग द्वारा निर्मित डिजिटल कंटेंट के माध्यम से अध्ययन करवाया जाकर यह सुनिश्चित किया जाना है कि शिक्षकों की कमी अनुपस्थिति का प्रतिकूल प्रभाव विद्यार्थी की अध्ययन निरंतरता पर न हो। अर्थात ये कक्षा 9 से 12 तक के लिए है मिशन, जिसमें
जिन विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, विषय अध्यापकों की कमी है, उनको मिशन स्टार्ट के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया जाएगा। इसके लिए मिशन स्टार्ट के कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं 9 से 12 में, और ये कार्यक्रम चलाने के लिए विद्यालयों को शिक्षक विहीन या विद्यालयों की कमी वाले विद्यालयों सभी विद्यालयों में ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा। परिस्थिति के अनुसार हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव ये भी पहुंचाई जाएगी। YouTube चैनल के माध्यम से भी विद्यार्थियों का शिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। मिशन स्टार्ट के तहत स्मार्ट टीवी, IFPD प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड इत्यादि भी उपलब्ध है, और इनके जो लक्ष्य समूह 9 से 12 तक निर्धारित किए गए हैं। साथ ही जो पद रिक्त है या शिक्षक अनुपस्थित है, तो उसके कारण यानी सभी अधिकारीगण अपने परिक्षेत्र में 9 से 12 तक शैक्षिक रिक्त पदों का आकलन करेंगे। साथ ही विविध परिस्थितियों अर्थात मातृत्व अवकाश है, चाइल्ड केयर लीव है, मेडिकल अवकाश इत्यादि के किसी भी कारण से शिक्षक लंबे समय पर अवकाश पर है, तो यह जानकारी भी संधारित करेंगे। मांगे जाने पर निदेशालय के अधिकारियों को प्रेषित भी करेंगे। सामान्य आकस्मिक अवकाश की स्थिति में भी शिक्षक के साप्ताहिक पाठ योजना के अनुरूप निर्धारित पाठ्य सामग्री का ई कंटेंट विद्यार्थियों को दिखाया जाना है। ये जो समय सारणी आपको बनाई गई है, वो शाला दर्पण पर इसकी प्रविष्टि होगी, जो मैंने आपको बताई दिया है। स्कूल लेसन गाइडेंस मॉड्यूल के अनुसार निर्मित की गई समय सारणी को प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को शाला दर्पण मॉड्यूल पर प्रविष्ट किया जाना है। इसमें सभी के कुछ न कुछ दायित्व निर्धारित किए गए हैं, कार्य बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं मिशन स्टार प्रभारी शिक्षक के क्या दायित्व रहेंगे। तो 9 से 12 के लिए निर्धारित की गई समय सारणी के अनुसार शिक्षण का सुचारू संचालन होना चाहिए। प्रत्येक शुक्रवार को आगामी सप्ताह की समय सारणी शाला दर्पण मॉड्यूल में प्रविष्ट करना। समय सारणी का प्रिंट लेकर विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना। विद्यार्थियों से मिशन स्टार्ट के संबंध में फीडबैक लेंगे। उन्हें डिजिटल के माध्यम से करवाए जाने वाले शिक्षण के साथ सहजता अनुभव करने हेतु प्रेरित करेंगे। ब्लेंडिंग लर्निंग के लाभों से अवगत करवाएंगे। विद्यार्थियों के ई कंटेंट उपयोग की निरंतर समीक्षा करेंगे, ताकि विद्यार्थी में आने वाली कठिनाइयों के बारे में पता लगाया जा सके। इसी तरह बात करें संस्था प्रधान, तो संस्था प्रधान है वो कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक को मिशन स्टार्ट प्रभारी बनाएंगे। 9 से 12 के रिक्त पदों और अनुपस्थित शिक्षकों के कालांश निर्धारित करते हुए ई कंटेंट के माध्यम से शिक्षण हेतु समय सारणी का निर्माण करेंगे। समय सारणी के अनुसार शिक्षण का सुचारू संचालन करवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय व समय सारणी का निर्धारण मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के लिए निर्धारित स्कूल लेसन गाइडेंस मॉड्यूल फॉर मिशन स्टार्ट के अनुरूप ही किया जाना है। रिक्त कालांश की पूर्ति हेतु उसी विषय के शिक्षण के लिए दिए गए ई कंटेंट के लिंक या सामग्री का उपयोग किया जाना है। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे बताई गई है कि प्रत्येक शुक्रवार को आगामी सप्ताह की जो समय सारणी शाला दर्पण मॉड्यूल में प्रविष्ट करने का दायित्व मिशन स्टार्ट प्रभारी करेगा, और ये प्रभारी है वो HM यानी संस्था प्रधान बनाएंगे। उक्त डाटा की कक्षा अध्यापक द्वारा शाला दर्पण पर यथा समय प्रविष्टि करवाएं। शिक्षकों की संबलन हेतु शिक्षकों के संबलन हेतु उनकी बेस्ट प्रैक्टिस को सहारेंगे और विद्यालय स्तर पर सम्मानित भी करें। अब बात करते हैं PO और UCO के क्या कार्य रहेंगे। मिशन स्टार्ट कार्यक्रम जो है उसकी मॉनिटरिंग हेतु PO UCO स्वयं या नोडल अधिकारी रहेंगे। अपने परिक्षेत्र के सभी विद्यालय में कंप्यूटर हार्डवेयर, ICT लैब, स्मार्ट टीवी, प्रोजेक्टर इत्यादि सभी डिजिटल संसाधन या विद्यालय में इंटरनेट की उपलब्धता की जांच करेंगे। अधिकतम उपलब्ध हार्डवेयर को क्रियाशील स्थिति में तैयार करवाएंगे। अपने क्षेत्र अधिकार में आने वाले समस्त विद्यालय में ई कंटेंट की पहुंच सुनिश्चित करेंगे, तथा अपने परिक्षेत्र में आने वाले 9 से 12 तक शैक्षिक रिक्त पदों का आकलन कर कालांश निर्धारण करते हुए समय सारणी का निर्माण करेंगे। इस समय सारणी के अनुसार शिक्षण का सुचारू संचालन करवाएंगे। अपने परिक्षेत्र में समस्त विद्यालयों में बारी बारी से PTM में भाग लें। माता पिता को विभागीय नवाचार मिशन स्टार्ट कार्यक्रम द्वारा ई कंटेंट के माध्यम से विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में जानकारी भी देंगे। साथ ही मिशन स्टार्ट प्रभारी किसे बनाया जाए, तो प्रभारी के लिए यहाँ पे बता दिया गया है कि PO विद्यालय में अधीनस्थ समस्त विद्यालयों में मिशन स्टार्ट कार्यक्रम की सुदृढ़ मॉनिटरिंग करने के लिए एक मिशन स्टार्ट प्रभारी नियुक्त करेंगे। मिशन स्टार्ट प्रभारी ICT लैब प्रभारी, कंप्यूटर अनुदेशक, कंप्यूटर शिक्षक अथवा अन्य किसी कंप्यूटर दस शिक्षक को बनाया जा सकेगा, जो अपने परिक्षेत्र के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए या शंकाओं का समाधान करने के लिए अपने परिक्षेत्र के शिक्षकों के साथ मासिक बैठक आयोजित कर सके। निर्धारित समय सीमा में ई कंटेंट के प्रभावी उपयोग और पाठ्यक्रम की पूर्णता भी सुनिश्चित करेंगे। तो साथियों, ये था मिशन स्टार्ट कार्यक्रम जो मैंने आपको बताया।
ये 9 से 12 तक विद्यालयों के लिए है, उनको शाला दर्पण पर उनकी समय सारणी अपलोड करनी है, एक मिशन स्टार्ट प्रभारी नियुक्त करना है, जिसकी जानकारी आपको दी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।